ऐसे शख्स बहुत कम होते हैं जो हर नेता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसके साथ उनका ऐसे दिल का रिश्ता हो। और सुषमा स्वराज कुछ ऐसी ही शख्सियत थी जिनका नाता हर एक शख्स के शख्स से था, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। अमित शाह वहां पर पहुंचे थे, किस तरीके से उनकी आंखें भी नम श्रद्धांजलि देते हुए सुषमा स्वराज को नजर आ रहे हैं। और ये एक ऐसा मौका है, क्योंकि ये स्वीकार पाना कि अब उनके बीच सुषमा स्वराज जैसी प्रतिभाशाली नेता नहीं है, ये सभी के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। क्योंकि जिस तरीके से पता चला कि सुषमा स्वराज अचानक से दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया छोड़कर चली गई, हम सबको छोड़कर चली गई, उसके बाद जो लोग थे वो बेहद दुखी गमगीन नजर आए। जो नेता उनसे जिनका पर्सनल जुड़ाव था, जो सीधे उनसे जुड़े हुए थे, वो भी दुखी हैं। और जिनके लिए सुषमा स्वराज जिन आम लोगों की आवाज़ वो बनकर उभरी थी, वो आवाज़ें भी आज बेहद धीमी निकल रही हैं, दुख साथ निकल रही हैं। हालांकि अमित शाह जब वहां पहुंचे तो सुषमा स्वराज के पति से उनकी मुलाकात हुई, उनकी बेटी वहां पर मौजूद थी, उनको उन्होंने ढांढस बंधाया और इस दुख की घड़ी में उनके साथ रहने की बात कही। और सुषमा स्वराज, अगर इनकी उपलब्धियों की बात करें तो सुषमा स्वराज ने अपने नाम, कई उनके नाम पे इतिहास दर्ज हैं। वो किसी राष्ट्रीय राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता बनी है। हरियाणा में जनता पार्टी की वो सबसे कम उम्र की प्रभारी रही हैं और हरियाणा सरकार में सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री भी वो बनी हैं। दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड भी उनके नाम है। यानी एक महिला के तौर पर अगर आप उनकी उपलब्धि देखें तो आप पाएंगे कि वो किस तरीके का संदेश दुनिया की हर महिलाओं को देते हुए नजर आ रही हैं कि एक महिला अगर ठाने, एक महिला अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकती है। और अगर आप सुषमा स्वराज के व्यक्तित्व और उनके जो राजनीतिक सफर है उन पर अगर आप नजर डालेंगे तो आप इस बात का आभास कर पाएंगे। वरुण गांधी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, वो वहां पहुंचे हैं। और धीरे धीरे हर वो शख्स जो सुषमा स्वराज को नजदीक से जानता है या उनसे मिला है या उनको सिर्फ देखा भी होगा और एक नेता के तौर पर जानता होगा, वो सब नम आंखों के साथ विदाई देते हुए।